फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एफ एन ओ बहुत सारे पर्सन पसंद करते हैं आजकल शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसे लगाना ताकि उनको प्रॉफिट हो सके उनका पैसा कई गुना बढ़ सके अब आपको ये भी जानना है कि इसकी टेक्सीबिलिटी क्या है क्योंकि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वेदर प्रॉफिट अर्न करें या इवन लॉस भी अर्न करें तो आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स के नियम क्योंकि लॉस के केस में भी आपका बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है अगर आप आई को फाइल करते हैं तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए टर्न ओवर ऑडिट फोर्टी फोर सेक्शन क्या कहता है आई टी या फोर अगर भर रहे हो तो उनमें कोड क्या सिलेक्ट करना है ठीक है देन हम बहुत सारे और कंसेप्ट लोस के केस में क्या आपको ऑडिट कराना है यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आप देख रहे हैं सीए गुरुजी मैं हूँ सीए पूजा आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज के नाम ये सभी अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट सी ए गुरु जी क्लासेज डॉट कॉम तो अगर आप एडवांस लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं इस वेबसाइट पे आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब मिलते हैं साथ ही हम डेली बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं टेक्स्ट अपडेट्स के सेक्शन में ये आप फ्री में पढ़ सकते हैं आर्टिकल विजिट करें सी ए गुरु जी क्लासेज डॉट कॉम तो यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए मैंने पूरा आर्टिकल प्रिपेयर कर दिया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करी हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ तो हम अब हम डिस्कशन करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जब कोई पर्सन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा लगाता है तो उसे लगता है कि ये तो मैंने वैसे ही कर लिया ये तो मेरा शौक़ है मैंने वैसे ही पैसा लगा के देखा कि अपनी किस्मत को आज़माता हूँ कहीं मुझे भी शेयर मार्केट से प्रॉफ़िट हो जाए तो मुझे भी मज़ा आ जाएगा उसे लगता है कि इसको आई में दिखाने की क्या ज़रूरत है ये तो मैंने वैसे ही कर लिया था नहीं आजकल आपकी सभी ट्रांजैक्शंस आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होती हैं अगर आपने शेयर मार्केट में ट्रेड करा है वेदर आप सैलरी सैलरी अर्न करते हो वेदर आप स्टूडेंट हो ठीक है वेदर आप आ, हाउस वाइफ हो पर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है और आप ऐसी ट्रांजेक्शन्स करते हो फिर चाहे लॉस है या इनकम है आप अपनी आइटर ज़रूर भरें और एफ को तो आपका बिजनेस माना जाता है नॉर्मल बिजनेस जैसे कोई पर्सन बिजनेस करता है जैसे एक शॉपकीपर जिसके पास से आप सामान खरीदने जाते हो जैसे उसका बिज़नेस है ना ऐसे ही आपका भी ये बिजनेस ट्रीट किया जाता है वो भी नॉर्मल बिजनेस क्लियर है तो आपको एफ के लिए आई भी भरनी है और आपको अब इसकी टैक्सेबिलिटी भी पता होनी चाहिए तो हमने इसकी नेचर की बात कर ली कि एफ एन के जो ट्रांजेक्शन हैं वो मानी जाती है नॉन स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन्स नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हम आई में कंफ्यूज हो जाते हैं आई टी आर वन बी है टू भी है थ्री फोर आई ट वन तो सैलिड पर्सन के लिए तो मान लो एक सैलिड पर्सन है राम वो कह रहा है कि मैंने एफ की तो ना वैसे ही कर ली थी ट्रांजेक्शन बस एक करके देखी थी तो मैं तो आई टी वन ही भर लेता हूँ नहीं ये है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन के अमाउंट से आपकी आई टी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आपने एफ किया है तो या तो आप आई टी थ्री फाइल करेंगे या आई टी फोर अगर आप आई टी फोर ऑप्ट करना चाहते हैं वो किस केस में आप करते हैं जनरली जब आप सेक्शन फोर्टी ए डी ऑप्ट करना चाहते हैं सेक्शन फोर्टी फोर ए डी आपको बहुत सारी रिलैक्सेशन देता है पहली रिलैक्सेशन होती है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती दूसरी रिलैक्सेशन इसमें यह होती है कि जो आपका टर्न है टर्न देखिए टर्न और प्रॉफिट में भी बहुत डिफ्रेंशिएशन करके रखिए टर्न होती है आपकी सेल और प्रॉफिट जो आपने सेल करने पर इनकम कमाई ठीक है तो आप फोर्टी फोर में अपनी टर्नओवर पर सिक्स परसेंट का प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट विच एवर इज हायर दिखाकर अपनी आई भर सकते हैं सो दिस इज़ अ वेरी बिग बेनिफिट जिसकी वजह से पर्सन इस सेक्शन फोर्टी फोर को बहुत पसंद करते हैं पर आप, आपको लगे कि नहीं मुझे फोर्टी फोर नहीं दिखाना मैं तो नॉर्मल बिजनेस दिखाना चाहता हूँ मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बना लूँगा छोटी सी अपनी बैलेंस शीट बना लूँगा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लूंगा और नॉर्मल बिजनेस की तरह आई ट्री फाइल कर दूंगा तो ये भी आपके पास ऑप्शन है कोई इशू इसमें नहीं है फोर्टी फोर ए डी सेक्शन के अंदर ना एक पनिशमेंट क्लोज है फोर्टी फोर ए डी सेक्शन बोलता है कि जब एक पर्सन एक बार सेक्शन फोर्टी फोर ए डी ऑप्ट कर ले तो उसे डिक्लेयर करने होते हैं अपने प्रॉफिट फॉर फर्दर फाइव असेसमेंट ईयर्स पर अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उस पर एक पनिशमेंट अप्लाई होगी वो पनिशमेंट ये होगी कि आगे वो अगले पांच सालों तक इसको नहीं ऑप्ट कर पाएगा और साथ ही उसे अगर उसकी इनकम एग्जाम्शन लिमिट से ज्यादा है तो उस पर ऑडिट एप्लीकेबल होगा ठीक है तो ये कैसे क्या वर्क करेगी ये पनिशमेंट इसे समझते हैं मैंने यहां एक एग्जाम्पल इंक्लूड करा है राम का राम ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाना शुरू किया सोचा कि क्यों ना अपने पैसे को बढ़ा लिया जाए टर्नओवर कैलकुलेट करना भी समझाऊंगी मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं पांच लाख का राम ने प्रॉफिट अर्न करा फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाना शुरू किया मज़ा आ गया मार्केट में प्रॉफिट भी आ गया पाँच लाख का टर्न निकली फिफ्टी लाख की इन ईयर ट्वेंटी उसने फोर्टी फोर ए सेक्शन में अपनी आई टर फाइल करने की सोची क्यों सोची क्योंकि फिफ्टी लाख की टर्न ओवर अगर हम सिक्स परसेंट निकालें तो ये आएगा थ्री लाख और उसका प्रॉफिट है फाइव लाख तो उसने फाइव लाख का बिज अवर इस हाइयर देखते हैं ना तो फाइव लाख के प्रॉफिट से आई टर भर दी उसकी कोई और इनकम नहीं थी तो इस पर उसका टैक्स बना ज़ीरो क्योंकि स्लैब रेट लगता है जो हमारा एफ है ना क्योंकि नॉर्मल बिजनेस माना जाता है तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है जो हमारे ओल्ड एंड न्यू रिजिम इंडिविजुअल के लिए वो एप्लीकेबल होते हैं तो इसको मजा आ गया बहुत मजा आ गया पाँच लाख का प्रॉफिट भी हुआ कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ा नेक्स्ट ईयर इसकी टू पॉइंट फाइव जीरो करोड़ की टर्नओवर हुई इतनी ट्रांजैक्शन कर ली दबा के करी मजा आ गया प्रॉफिट कमाने में उस पर इसको लॉस हुआ सिक्स लाख का अब राम ने सोचा कि अगर मैं 2.5 लाख 250 लाख पर अगर मैं 6 परसेंट के हिसाब से प्रॉफिट दिखाने बैठूंगा 15 एडी में तो 15 लाख का मुझे मिनिमम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा जबकि मैंने तो लॉस ऑन कराया है 6 लाख का मुझे क्या ज़रूरत है इस बार 44 फोर ए में आई टी भरने की मैं तो नॉर्मल बिजनेस में भर लेता हूँ एक्सपेंस भी बढ़ा लूंगा कैरी फॉरवर्ड भी कर लूंगा लॉस को सेट ऑफ भी कर लूंगा तो गवर्नमेंट ने इसीलिए एक पनिशमेंट क्लोज लगाया कि अगर राम अब ऐसा करना चाह रहा है क्योंकि उसे मिनिमम छः परसेंट प्रॉफिट दिखाना था फोर्टी फोर में आना था तो उसे ऑडिट कराना पड़ेगा वेदर इस केस में उसका लॉस था ठीक है सो दिस इज द पनिशमेंट क्लोज और बहुत सारे पर्सन इसमें कंफ्यूज रहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं मैंने इसमें सेक्शन फोर्टी फोर के ये दोनों क्लोज ऐड करें इनको आप पढ़ना आराम का एग्जाम्पल ऐड कर दिया है और अगर आप आईटर थ्री फाइल करेंगे नॉर्मल बिजनेस सिलेक्ट करना चाहेंगे तो आपके लिए बिजनेस कोड रहेगा अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विस एन ई सी वन थ्री जीरो वन एट ये भी मुझसे बहुत सारे पर्सन पूछे तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है ठीक है अभी हम ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ और चीज़ें समझ रहे हैं आपको इसको स्किप मत करना नाउ कैलकुलेशन फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों के लिए अब जो कैलकुलेशन है ना टर्न की वो एब्बोल्यूट प्रॉफिट के हिसाब से है पहले क्या था पहले फ्यूचर के लिए तो ऐसे ही निकलती थी टर्न ओवर ऑप्शंस के लिए फॉर्मूला अलग था एब्सोल्यूट प्रॉफिट प्लस प्रीमियम पर आई का एट्थ एडिशन गाइडेंस नोट आया था जिसने इसने फिर ऑप्शंस और फ्यूचर दोनों के लिए सेम फार्मूला टर्नओवर कैलकुलेशन का बता दिया था कैसे कैलकुलेट होती है हम समझते हैं एग्जांपल है यहाँ पे ट्रेड वन है फिफ्टी थाउजेंड का प्रॉफिट ट्रेड टू में थर्टी थाउजेंड का लॉस ट्रेड थ्री में फोर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट तो जो ये माइनस फिगर है ना हम इसको भी पॉजिटिव कंसीडर करके तीनों को ऐड कर लेंगे ये बनेगा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ये मैंने फ्यूचर के लिए करा सेम इसी तरह ऐसे ही सेम ऑप्शन के लिए निकलेगी आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज को लेना है यानी जो नेगेटिव फिगर है उसको पॉजिटिव मानते हुए ये तो पॉजिटिव ही थी ये नेगेटिव थी पॉजिटिव मान लिया इसको भी पॉजिटिव मान लिया तो इनको टोटल किया हमने तीनों को तो ये आएगी हमारी

के अपनी आइटर भर लेना ठीक है तो प्रॉफिट पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है अब आप अपना जब प्रॉफिट निकालोगे ना प्रॉफिट निकालते हुए अपनी पी एंड एल स्टेटमेंट बना लेना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना बना लेना यहां पे आ जाएंगे आपके एक्सपेंसेस यहां पे आ जाएगी आपकी रेवेन्यू ठीक है यहां पे आप अपनी इनकम लिख लेना जो भी प्रॉफिट है आपका लॉस है तो वो आप यहां पे लिख लोगे ठीक है मान लो आपकी इनकम है एक लाख की तो इस इनकम के अगेंस्ट आप यहाँ पे खर्चे दिखा देना जैसे आपने कोई कमीशन या ब्रोकरेज दी है जैसे मैं अभी आपको जीरो धाके अकाउंट में दिखाऊंगी जो भी चार्जेस हैं आप क्लेम कर सकते हैं कोई आपने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट क्लेम करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हो उसकी रिपेयर कराई है कोई प्रिंट आउट निकालना पड़ा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कोई अदर एक्सपेंस लग रहे हैं आपको तो बैलेंस आपके खर्चे क्लेम करने के बाद आ जाएगा आपका प्रॉफिट या लॉस ठीक है तो आप अपनी छोटी सी पी एंड एल स्टेटमेंट बना लेना ऐसे आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो तो अगर आप नॉर्मल बिजनेस दिखा रहे हो फोर्टी फोर ए में तो आपको बैलेंस शीट पी एंड एल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी वहाँ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती पर नॉर्मल बिजनेस दिखा रहे हो तो अपनी छोटी सी बैलेंस शीट और अपनी पी एंड एल बना लेना एसेट साइड में जैसे आपकी फिक्स एसेट आ जाती है करंट एसेट आ जाती है यहाँ लाइबिलिटीज़ में प्रोपराइटर की कैपिटल आ जाती है ठीक है लोन आ जाते हैं लोन्स एंड एडवांसेस आपकी करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं प्रोविजंस आ जाते हैं तो ऐसे छोटी सी अपनी बैलेंस शीट बना लेना ठीक है तो आपको अगर फोर्टी फोर ऑप्ट नहीं करना तो प्रॉफिट में से आप खर्चे माइनस कर सकते हो फोर्टी फोर में नहीं कर सकते फोर्टी फोर से अलग अगर आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो ऐसे अपनी बैलेंस शीट और पी बना लेना और देन आपको जो ये जैसे मैं खर्चे दिखा देती हूँ किस तरह के खर्चे जैसे मैंने यहाँ जीरो धाक की स्टेटमेंट इंक्लूड कर रखी है इसमें आपको रिलायस प्रॉफिट आपका दिख जाता है टर्न का ब्रेकअप ऑप्शन इन फ्यूचर का जीरो धागे काफी हद तक करेक्ट भी होती है वो भी आपको दिख जाएगी देन चार्जेस देखिए आप यहाँ पर कैसे कैसे चार्जेस लगे हैं ब्रोकरेज एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस उस पर आईजीएसटी लगा है एसटीटी टी टी स्टैंप ड्यूटी आईपीएफटी क्लियरिंग चार्जेस देन जीएसटी एसबीआई टर्नओवर फीस तो ये सभी इवन एक और चार्जेस हैं अदर चार्जेस ये आप अपने पी एंड एल में क्लेम कर सकते हैं चार्जेस ठीक है जिससे आपका प्रॉफिट कम हो जाता है तो नॉर्मल बिजनेस की तरह क्योंकि ट्रेड कर रहे हो तो आपके एक्सपेंसिज भी क्लेम हो जाएंगे फोर्टी में जा रहे हो तो एक्सपेंसिस क्लेम नहीं होंगे तो आप अपने डी अकाउंट में आइए डीमेट अकाउंट को ओपन करिए स्टेटमेंट्स के अंदर ऑप्शन मिलेगी आपको पी एंड एल की या कैपिटल गेन की ये दोनों निकाल लेना इन्हीं में आपको आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी शीट वाइज होता है एक्सेल में भी निकाल सकते हैं आप तो उससे आपकी सारी कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी क्लियर है आपको तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मैंडेशन के लिए यह वीडियो जरूर देखनी है कि किस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मैंडेशन है फ्यूचर एंड ऑप्शन आप करते हैं तो मेक श्योर करें नो अकाउंट केस में मत डालना अपनी बुक्स के लिए डाटा को अदरवाइज नोटिस आएगा अपने छोटे छोटे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लें और अपने आई टी थ्री में उसे ज़रूर दिखाएं अब हम बात करेंगे ऑडिट की ऑडिट किस पर एप्लीकेबल है तो क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन की ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो है हमारी वो कैसी होती हैं अदर देन कैश कैश तो यूज ही नहीं होता इन ट्रांजेक्शन्स में तो अगर कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं होती है ना तो हमारी गवर्नमेंट ने फोर्टी फोर ए के लिए भी फोर्टी फोर ए ए के लिए भी और फोर्टी फोर ए बी जो ऑडिट का सेक्शन है उनमें टर्न ओवर की लिमिट्स एक्सीड करके दे रखी है अगर आप फोर्टी फोर ए डी ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो है आपकी टर्न ओवर लिमिट थ्री करोड़ टर्न ओवर की बात हो रही है ध्यान रखना टर्न ओवर का मीनिंग ही इन्हीं सेक्शन के लिए है वैसे आपको तो प्रॉफिट ही यूज़ होगा आपके टैक्स वगैरह के लिए तो तीन तो करोड़ तक अगर आपकी टर्न ओवर है एफ एन ओ की तो आप आराम से फोर्टी फोर ए ले सकते हो दस करोड़ से ज्यादा पर ऑडिट एप्लीकेबल है और अगर दस करोड़ से कम है तो ऑडिट नहीं कराना है तीन करोड़ तक फोर्टी फोर ए में जा सकते हो तीन से अबव है पर दस करोड़ तक है तो ऑडिट नहीं कराना पर फोर्टी फोर ए भी नहीं ले सकोगे और फोर्टी फोर ए के साथ ध्यान रखना जो पनिशमेंट क्लोज हमने डिस्कस किया है एक बार फोर्टी फोर ए में आ जाओगे तो पांच साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा अदरवाइज लोज तक के केस में आपको ऑडिट मैंडेटरी हो तो अब हम आईटर थ्री में देखते हैं ऑडिट के लिए क्या क्या चूज़ करना होता है आपको पहले बताना होता है आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन फोर्टी फ़ोर डबल ए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूछा जा रहा है कि आपको बनानी है तो मैं कहूँगी आप श्योरली बनाएं येस कर देन आपसे पूछा जा रहा है कि आप फोर्टी फ़ोर सेक्शन में जा रहे हो तो आप नो कर देना अगर नॉर्मल बिजनेस में जा रहे हो फोर्टी फोर लेना तो आप आईटर फोर भर लेना देन आपसे पूछा जा रहा है आपकी टर्नओवर के लिए ये क्वेश्चन आप बता देना कौन सी लिमिट के अंदर आपकी टर्नओवर है एक करोड़ से दस करोड़ है दस से एक्सीड करती है या एक करोड़ से कम है क्या आप पर ऑडिट एप्लीकेबल है येस या नो बताना है एंड देन इंपॉर्टेंट नीचे आपसे दो पॉइंट पूछे हैं अगर सेल टर्नओवर या ग्रोसरी रिसीट एक्सीड करिए स्पेसिफाइड लिमिट से इसलिए ऑडिट कराने आए हो पूछा जा रहा है ऑडिट कराने क्यों आए हो क्या आपकी लिमिट स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस कर गई है एक करोड़ तो जिनका बिजनेस ज़्यादातर कैश में होता है उनके लिए होती है लिमिट ऑडिट की और कैश ट्रांजेक्शन जब बहुत मिनिमम होती है तो फिर दस करोड़ होती है दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा अस एसी है जो फॉलिंग है फोर्टी फोर ए डी ए डी ए या ए या डबल बी में पर वो ऑप्ट नहीं कर रहा फॉर ऑफरिंग इनकम ऑन प्रजर्मटिव बेसिस यानी जो फोर्टी फोर ए डी ऑप्ट कर रहा था पर अब ऑप्ट नहीं कर रहा इसलिए उसको ऑडिट कराना पड़ रहा है तो आपको फिर ये पनिशमेंट क्लॉज के लिए ये वाला जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा तो अब आपको एफ एन ओ के लिए मैंने बताया आई टी थ्री फाइल करनी है सी ए गुरु जी चैनल पर वीडियो सेक्शन में आपको आई टी आर थ्री आई टी आर वन टू थ्री फोर सभी वीडियोज़ मिलेंगी यहाँ से भी आप देख सकते हो वैसे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको दे दिया है ठीक हो गया आपको ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी भी मैंने बता दी देन वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर एंड ऑप्शन की आई टी आर अगर आप लॉस के केस में भी भरोगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलेंगे और लॉस की आई टी आर मेक श्योर करना थर्टी फर्स्ट जुलाई तक ही भरो उसके बाद भरोगे तो आपको लॉस होगा क्या देखिए लोस के केस में आप दो काम कर सकते हो सेट ऑफ एंड नंबर टू कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ तो होता है सेम ईयर में किसी इनकम से उसको एडजस्ट कर लेना लॉस को एक लाख का लॉस है उस साल में आपकी अदर इनकम दो लाख की है तो दो लाख में से एक लाख का लॉस एडजस्ट होकर वन लाख की इनकम कंसीडर होगी टैक्सेबिलिटी के लिए पर या फिर आपका लॉस तो है वन लाख का और उस साल इनकम सिर्फ पचास हजार थी तो बैलेंस पचास हजार का जो लॉस है वो आप आगे के आठ सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि आगे जाके जब भी इनकम आए तो उससे आप एडजस्ट कर लो और आपकी टैक्सेबिलिटी ना बने तो वो बेनिफिट आपको 31 जुलाई तक आई भरने पर ही मिलेगा तो लॉस के केस में भी आई भरने का बड़ा बेनिफिट है जब भी कभी फ्यूचर में प्रॉफिट करोगे और कैरी फॉरवर्ड अगर लोसिस को करोगे तो उससे एडजस्ट कर लोगे आपका टैक्स कम हो जाएगा इसीलिए लॉस के केस में भी आई भरना बड़ा रिलेवेंट है क्लियर है आपको तो मैंने आपको बता दिया बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर कर दिए टर्न ऑडिट प्रॉफिट टैक्स आई टी का कोड ठीक है फोर्टी फोर का पनिशमेंट क्लोज आपको इसमें डिडक्शन भी मिल जाती है नॉर्मल रेट से आपका टैक्स लगता है फोर्टी फोर भी आप कर सकते हो बहुत सारी कवरेज हमने कर ली है तो क्योंकि आप सभी को पता है इतने सारे पर्संस शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस ये गुरुजी चैनल पे आ रही है उनको बोलो कि सी गुरुजी चैनल पे एक सब्सक्राइब बटन है वो बिल्कुल फ्री है उस पर क्लिक कर ले ताकि उनकी नॉलेज टैक्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ सके फ्री है cgurujeeclasses.com पे यहां पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए कोर्सेज सेक्शन में यहां आपको कोर्स दिख रहे हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स आईटीआर एंड टी डी एस जीएसटी कोर्स ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट टीडीएस एंड टीसीएस का कोर्स अकाउंटिंग विद प्राइम कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं एक्चुअली जो थम येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं और जो ब्लैक कलर के ये थम हैं ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है, है, हैं उस पर क्लिक करें जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है यहां आने के सबसे पहला काम करें कि यहां पे अबाउट द कोर्स दिया है शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से पढ़े दस पंद्रह मिनट आराम से यहां स्पेंड करें और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूजर नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा जिसके बाद आप यहां पर लॉग करके ही कोर्स को देख पाएंगे तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में एनरोल करना और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है तो अगर आपको लगे कि मुझे तो जीएसटी भी सीखना है इनकम टैक्स भी सीखना है आईटीआर भी सीखना है तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल तो क्लासेज डॉट कॉम पर आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग